हाय एवरीवन, दिस इज सविता अंचना, योर मैथ्स एजुकेटर. बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर. आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, जो कि है पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल्स शुरू करने से पहले, जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि अगर आपको अपने सब्सक्रिप्शन प्लान पर चाहिए 10% ऑफ, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, वो है SAVITA. हाँ जी, और अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ. तो पहले, जो स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते, उनको बताना चाहूंगी कि मेरा नाम है सविता अंजना, आई एम योर मैथ्स एजुकेटर. बच्चों, मैंने MSc और PhD किया है मैथ्स में, और आपको पढ़ाने से पहले मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और अब हम मिलकर पढ़ने वाले हैं मैथ्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर. तो चलो बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है. जैसे आप मेरे साथ करोगे ना, तो आप देखोगे कि मैम, आप कहोगे कि मैम, ये तो बहुत ही आसान चैप्टर था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो हमें एक बार में ही आ गया. और सबसे अच्छी बात इस सेशन की कि एक ही बार में हम ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं. तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2. अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है और मुझे बताना है कि मैम, यहाँ से मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर हम उसका भी कोई सोल्यूशन करेंगे, है ना. तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर को पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के साथ. पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है ना बच्चों, इस नाम में ही छुपी हुई है. ये जो आपने देखा है ना, इसी में इसकी डेफिनेशन छुपी है. देखो, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी. एंड नॉमियल का मतलब होता है बच्चे टर्म्स. क्या मतलब होता है टर्म्स? तो पॉलिनोमियल का मतलब हो गया एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स आती हैं. अब आप कहोगे कि मैम, कैसी टर्म्स? तो बच्चे, जो टर्म्स होंगी ना, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगी. किस किस का कॉम्बिनेशन भी होंगी, और ये सेपरेटली भी आ सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि ये दोनों साथ में आए. वो क्या है? एक है बच्चे कॉन्स्टेंट और एक है वेरिएबल. अब देखो, आप कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो फिक्स्ड रहने वाली है, जो चेंज नहीं होती. जैसे कि नंबर्स हो गए 2, 4, 6, 8. अगर किसी ऐसे बहुत सारे नंबर्स अगर किसी एक्सप्रेशन में बच्चों ये नंबर लिखे होते हैं, तो ये फिक्स रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आता. वहीं पर दूसरी जो क्वांटिटी है, वो है बच्चों वेरिएबल. वेरिएबल, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो चेंज होती रहे, उनको हम कहते हैं वेरिएबल. वेरिएबल के लिए नॉर्मली हम यूज करते हैं X, Y, Z, U, V, T, कुछ भी यूज कर सकते हैं. और कांस्टेंट के लिए नॉर्मली या तो हम नंबर्स यूज करते हैं, नंबर्स लिख देते हैं, या फिर हम उनकी जगह A, B, C, D ये भी लिख सकते हैं. ठीक है बच्चा, ये भी हम यूज कर सकते हैं. अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, फिर समझाती हूँ कि कॉन्स्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आपके पास कोई स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, सपोज ये है इसकी साइड एक्स. मुझे इस स्क्वायर का निकालना है पेरीमीटर. क्या निकालना है बच्चों? पेरीमीटर. तो पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड्स का सम. स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल हैं, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा x+x+x+x, मतलब 4x. क्या हो गया बच्चे? 4x. अब ये जो मेरे पास टर्म आ गई है ना बच्चे, इन्हीं चीजों से मिलके बनता है पॉलिनोमियल. और ये जो नंबर 4 है, जो फिक्स्ड नंबर है, जो चेंज नहीं होने वाला, ये है बच्चे कॉन्स्टेंट. और जो एक्स है, मान लो अभी तो मेरे पास ये स्क्वायर था, अगर मैं थोड़ा बड़ा स्क्वायर ले लूंगी, तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना. सपोज यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 1, और अगर मैंने ये स्क्वायर ले लिया, तो बच्चे एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2. तो ये जो एक्स हो गया, ये क्या हो गया बच्चे? वेरिएबल. और ऐसी बहुत सारी टर्म्स जब मिल जाती हैं, जैसे कि x^4, x^5, 3x^2, 9x+5, तो इस तरीके का जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल. बहुत सारी टर्म्स का कॉम्बिनेशन. तो पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आया? हाँ जी, पॉलिनोमियल मतलब बहुत ऐसी एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, या फिर वो सेपरेटली आते हैं. अब आ जाते हैं ऐसे ही सिमिलर टर्म्स में.
एक्चुअली पॉलिनोमियल तो क्या बहुत सारी टर्म्स है ना। अब आ जाते हैं मोनोमियल क्या होता है। जैसे मैंने बताया पॉली मतलब मैनी, ऐसे ही मोनो का मतलब होता है बच्चे वन, और नॉमियल का मियल का मतलब लगा लो टर्म, तो मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म आती हो, जैसे कि 2x, या फिर एक 2s एग्जाम्पल हो गई, एक सिंपल 4 भी मोनोमियल है, x² भी एक मोनोमियल है, 5x भी एक मोनोमियल है, एंड सो ऑन। जिस ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म आती है, एक्चुअली उसको पॉलिनोमियल नहीं उसको मोनोमियल कहेंगे। ओके, अब आ जाते हैं बच्चे दूसरी चीज, बाय। बाय का मतलब होता है टू, एंड फिर से नॉमियल का मतलब बच्चे क्या हो गया, टर्म। तो ये क्या हुआ, ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनी जिसमें दो टर्म्स आती हो, जैसे कि 4x+5, ये एक बाइनोमियल है, और 2x² + 1, ये एक मोनोमियल है, एंड बच्चों 3x+9x² ये एक मोनोमियल है, सॉरी बाइनोमियल है, सॉरी ये क्या है, बाइनोमियल, बिल्कुल सही कहा बच्चे, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, और ये भी क्या है, बाइनोमियल। अब मैं कहूँ बच्चे ट्राइनोमियल बताओ, तो बिल्कुल सही कहा मैम, बहुत आसान है, क्योंकि हमें पॉली पॉली में मैनी होता है तो मैनी टर्म्स, मोनो में वन, मोनो का मतलब वन होता है तो वन टर्म, और बाई का मतलब टू होता है तो दो टर्म वाली टर्म, और ट्राई का मतलब हो गया 3, वेरी गुड, और इसका मतलब कि टर्म। तो 3 टर्म वाली कोई भी एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले लो, जैसे कि 9x² + 5x + 2, 3x(5) + 4x(3) + 5, ये सारे क्या हो गए हमारे बच्चों, ट्राइनोमियल है ना, जिसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं, 3 टर्म्स आ रही हैं। ऐसे एक्चुअली दो, ये दो से ज्यादा टर्म को हम पॉलिनोमियल बोलना शुरू कर देते हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल सिर्फ टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, किसी में एक टर्म आते, किसी में दो टर्म आते, और किसी में मैनी टर्म्स आती हैं। तो बच्चे ये तो हो गया पॉलिनोमियल के बारे में। एक और चीज पहले बताना चाहूंगी, चलो यहीं पे बता देती हूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में ही बता देती हूँ, कि चलो पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं, फिर इसी में आगे कंक्लूड हो जाएगा जो भी मैं आपको नेक्स्ट चीज बताने वाली थी। तो डिग्री क्या होता है बच्चों, जैसे आपने ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, एक तो आपने ये एग्जाम्पल लिया राइट, एक आपने बच्चे ये एग्जाम्पल लिया राइट, तो इन दोनों को यहाँ पे एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, 4x + 5, 9x² + 5x + 2। तो इसमें बच्चे वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगी, पॉलिनोमियल जो हमने ऊपर जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए उनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आया हुआ था एक्स, तो वो एक वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल थी। पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल भी आ सकते हैं, जैसे कि x+y, ये भी बच्चे एक पॉलिनोमियल है, लेकिन कितने वेरिएबल में है, दो वेरिएबल में है, इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक x और एक y। अच्छा ये तो हो गया बहुत सारे उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल की बात हो गई। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जो आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर है एक्स की 1, 5 के साथ तो एक्स है ही नहीं, मतलब वहां अगर जहां पर एक्स नहीं लिखा होता ना उसको हम एक्स की पावर 0 भी ले लेते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है बच्चे, 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 1। तो इस पॉलिनोमियल की जो बच्चे डिग्री है ना वो हो गई 1। समझ आया। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें एक्स की क्या क्या पावर है, यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पर पावर है 2, और एक्स के साथ पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल में, 2 है। तो इसकी क्या डिग्री हो गई बच्चे, 2 डिग्री। अगर मैं लिखूं 5x+9+2x² + 10x5, तो बच्चे इस पॉलिनोमियल की अगर मैं आपसे डिग्री पूछूं तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि मैम वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर देखते हैं, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 5, तो 5 सबसे बड़ी पावर है, तो जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो होगी 5। बिल्कुल सही। तो आई होप आप लोगों को डिग्री समझ में आ गई। अच्छा कई बार बच्चे क्या करेंगे, अगर मान लो डिग्री
पहले अगर कोई टर्म मल्टीप्लीकेशन में गिवन है, जैसे कि ये कोई टर्म हमें गिवन है, तो क्या करोगे, पहले इसको सिंपलीफाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर वन है, यहाँ पे एक्स की पावर वन है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, अब पावर क्या होगी, टू, तो डिग्री टू आएगी। तो डिग्री जब भी निकालते हैं किसी भी इक्वेशन की, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी कि ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन, और लास्ट में आता है कॉन्स्टेंट। कन्फ्यूज, थोड़ा सा डरावनी लग रही है ये इक्वेशन, बट बहुत ही सिंपल है। ए एन यहाँ पे सारे कॉन्स्टेंट है, और ये एक्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, एक्स की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। जैसे कि सपोज मेरे पास ये होती 4x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 1, मेरे पास ये कोई एक्सप्रेशन है, मुझे इस फॉर्म में लिखना है ऊपर वाले में, तो क्या करोगे, x की हाईएस्ट पावर को सबसे आगे लिखो, तो 3x क्यूब फिर 9x स्क्वायर फिर 4x और लास्ट में आता है कॉन्स्टेंट। तो ये चीज और ये वाली चीज बच्चों एक ही है, जो ए एन माइनस वन है, ए एन माइनस टू है, ये कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हाँ 9 भी हो सकता है, 4 है, 1 है, कि कॉन्स्टेंट टर्म्स है, और जो एन है ये हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 3। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी आपकी एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो मल्टीप्लाई करके लिखना है, डिवाइड हो रही तो डिवाइड करके लिखना है, और फिर बताना है, फिर चेक करना है कि अब देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी पॉली। अब आ जाते हैं यहीं से बच्चों कि डिग्री कितनी है, उसके हिसाब से पॉलिनोमियल का भी नामकरण होता है। देखो पॉलिनोमियल कितने तरीके से जाना जाता है, पहले तो हमने बताया था कि उसमें कितने वेरिएबल हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल आ गए तो दो वेरिएबल का पॉलिनोमियल, एक्स वाई जी तीन वेरिएबल आ गए तो तीन वेरिएबल का पॉलिनोमियल, फिर मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, ये भी हम इसको इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बच्चे ये डिग्री पे बेस्ड, कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, जैसे कि 2x प्लस 5, y 9y प्लस 7, 2z प्लस 8, ये सारे जितने भी बच्चों हमारी पॉलिनोमियल्स हैं, इनमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है, इधर भी 1 है, इधर y वेरिएबल है, इसकी डिग्री भी 1 है और इसमें भी डिग्री 1 है, तो ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री हो 1, वो होती है लीनियर पॉलिनोमियल। वो क्या होते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जिसमें अगर मैं एक्स की डिग्री कर दूं 2, सपोज मेरे पास ये कोई एक्सप्रेशन है, या फिर मैं ये ले सकती हूं, या फिर ये भी हो सकता है 9t² प्लस 4t प्लस 7, इन सब में चेक करोगे तो वेरिएबल की डिग्री है बच्चे 2, तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड का मतलब होता है बच्चा 2, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है ना, तो 2 आ। अब आ जाते हैं बच्चा क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, किस पे आ जाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, चलो अब क्वाड का मतलब तो आप इसको ऐसे नहीं याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या याद रखोगे बच्चा कि डिग्री क्या होती है 2। अब आ जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूब जैसे आपने सुना हो, तो क्यूब का मतलब होता है कि बच्चे तीन साइड, यानी कि तीन चीजों वाली हम बात करेंगे, तीन साइड नहीं सॉरी, क्यूब अलग चीज हो जाती है, उसको नहीं यहाँ पे लेके आएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं बच्चे, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री आ जाए 3, जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या आ जाए बच्चा 3, जैसे कि मैंने आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिए हुए, तो ये जो इसमें वेरिएबल की डिग्री है 3, इसमें भी वेरिएबल की डिग्री 3, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या थे बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो डिग्री वाले पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमने पढ़ लिया लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री होती है 2, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री होती है 3। इतनी चीजें समझ में आई सबको, वेरी गुड।
अब एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपने क्या करना है बच्चे, आपने बतानी है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है। ये आपकी पॉलिनोमियल है, देखो 2 - y² - y³ + 2y। इसको ऐसे लिखो या इसको वैसे भी लिख सकते हैं। हाईएस्ट पावर को आगे लिख दिया, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखते चले गए। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, 2y² - y³ + 2, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब बच्चे इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? जो हाईएस्ट पावर है बच्चों इसमें वो है वेरिएबल की, कितनी है? 8। हाईएस्ट पावर 8 ऑफ वेरिएबल वाई। वेरिएबल वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है? 8। तो डिग्री की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया बच्चों इस क्वेश्चन में? 8 हो गया। बिल्कुल सही। तो ये हो गया हमारा आंसर। इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। अब बताना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज अभी हम डिस्कस करने वाले। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स? अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जीरो पॉलिनोमियल्स बच्चे ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी कांस्टेंट टर्म जीरो हो। जैसे कि जीरो को ले लो, जीरो एक जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि 0 × x² + 0 × x + 0, तो ये सारा मल्टीप्लाई होके बच्चे जीरो ही मिलेगा। ऐसी पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल हो जाते हैं जिसमें कांस्टेंट टर्म्स क्या हो, सारी की सारी जीरो। जिस पॉलिनोमियल के कॉफिशियंट्स, जो कॉफिशियंट्स क्या होते हैं, जब मैंने आपको पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ना, an+xn + an-1xn - 1 + an-2xn - 2, ये an कुछ भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 11, 100, कुछ भी हो सकते हैं बच्चे। तो ये जो था, ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना, an-1, an-2 और a0, इनको बोलते हैं कॉफिशियंट्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चे? कॉफिशियंट्स बोल देते हैं। और ये तो हमारा वेरिएबल है ही, और ये इसकी पावर है। तो जीरो पॉलिनोमियल ऐसा होता है जिसमें सारे के सारे कॉफिशियंट जीरो हो जाए। अगर मैं सारी चीजें यहाँ पे जीरो रख दूं, तो जो भी मल्टीप्लाई में हो रहा है और फिर ऐड भी होंगे, तो सारा रिजल्ट टोटली आपको मिल जाएगा जीरो। तो मैं ये कह सकती हूँ सिंपल टर्म्स में, देखो ये बोल सकते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, जो जीरो नंबर है ना, वो जीरो पॉलिनोमियल। जीरो नंबर क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। अब आपने क्या करना है बच्चे, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बता। डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? जीरो के साथ सपोज मैंने वेरिएबल ले लिया है एक्स, ले लिया। अब इसकी पावर में क्या रखूं? देखो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स, मैं इसकी कुछ भी पावर रख लूं, चाहे मैं इसकी पावर 1,01,00,000 कुछ भी रखूं, या फिर मैं इसकी पावर 1 रखूं या पावर 2 रखूं, आंसर जीरो आना है। तो कहने का मतलब है कि एक्स की एक फिक्स्ड नंबर नहीं है जो मैं यहाँ पे रख सकती हूँ या डिफाइन कर सकती हूँ। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो जीरो पॉलिनोमियल है ना बच्चे, उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर जीरो ही मिल रहा है। मैं एक्स की पावर 1 रखू, 2 रखू, 1 लाख रखू, 1,000 रखू, 1 करोड़ रखू, जीरो यार। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया? सब बच्चों को समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि मैम हमें पूरा लेक्चर समझ में आ गया है ना। और अगर नहीं आया, कोई डाउट है, तो वो भी मैम को बताना। ओके बच्चों, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो और भी ज्यादा आसान। ये क्या है बच्चों? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ एन इक्वेशन। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? सपोज मैंने ये पॉलिनोमियल लिख लिया है, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल, मुझे इसका जीरो निकालना। इसके जीरो का मतलब है बच्चा कि क्या नंबर रखूं एक्स की जगह कि ये जीरो बन जाए। तो ये सॉल्व कर सकते हो, देखो 4x कितना आ गया? -1। एक्स आ गया -1/4। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो आपकी इक्वेशन है ना, ये जो पॉलिनोमियल थी 4x+1, यहाँ अगर एक्स की जगह -1/4 रखोगे ना, तो जीरो मिल जाएगा। देखो कैंसिल करोगे, -1 + 1 जीरो। तो ये जो नंबर हुए ना एक्स की, जो वैल्यू हुई जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो बन गया, वो
वो होता है जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल। डेफिनेशन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल मतलब ऐसा नंबर जो पॉलीनोमियल को जीरो कर दे, जो पॉलीनोमियल को जीरो बना दे। तो एक्स यानी कि वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि इसको जीरो बना दे। तो ये निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा बच्चे, जो पॉलीनोमियल है उसको जीरो के बराबर रख दो और वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। जो जो नंबर निकलेंगे वो सारे नंबर इन पॉलीनोमियल को जीरो बनाने की पावर रखते हैं और वही जीरो कहलाते हैं। तो ये तो हो गया जीरो। और रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है, यही रूट ऑफ द इक्वेशन। आपने पॉलीनोमियल को जीरो के बराबर रखा, एक्स की वैल्यू निकाली या वाई था तो वाई की वैल्यू निकाली, तो जो भी आंसर आ गया वो हो जाता है रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा अब आप कहोगे मैम मैं आपसे पूछती हूँ बच्चे पॉलीनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो मैं बताऊं बच्चे क्या डिफरेंस है। जो पॉलीनोमियल है ना वो सिंपल ये टर्म है, और इक्वेशन क्या है, अगर मैं इसको बराबर जीरो रख दूं तो ये तो है मेरा पॉलीनोमियल, और अगर मैं इस पॉलीनोमियल को जीरो के बराबर रख देती हूँ तो ये जो मुझे नई चीज मिली इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशन बोलते हैं। तो पॉलीनोमियल है अगर 4x प्लस 1, तो इक्वेशन है बच्चों 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ऐसा नंबर जो इनको जीरो बना दे वो जाता है जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल, और इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर मिल जाए वो जाता है रूट। जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल और रूट ऑफ इक्वेशन सेम है। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। अच्छा तो मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड रखी थी सिर्फ यही बताने के लिए, तो मैं बच्चे बता दूं पॉलीनोमियल जो है वो क्या होता है, सिंपल ये टर्म्स कांस्टेंट और वेरिएबल की टर्म्स। वहीं पर जो इक्वेशन क्या होती है बच्चे, पॉलीनोमियल को जीरो पुट कर दो ये मिल जाएगा आपको इक्वेशन। पॉलीनोमियल के निकलेंगे जीरोस, एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो बना दे, और यहां से निकलेंगे रूट्स। यहां से क्या निकलेंगे बच्चे, रूट्स। जीरो एंड रूट्स सेम ही बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। टॉपिक किया और एक्सरसाइज ना की, मतलब क्वेश्चन ना किए तो मैथ्स अधूरा रहता है। तो बच्चों एक बात जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि आप अभी उस स्टेज पर हो जहां पर आपका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट अगर नहीं भी है ना तो भी फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। अगर कोई थोड़ी बहुत कमी है वो भी आप पूरी कर सकते हो, फुल मार्क्स ला सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में, और आगे फ्यूचर में भी फर्दर स्टडीज मैथ्स शुरू कर सकते हो। मुझे लगता है ये वो क्लास है जहां पर एक अच्छे मैथ्स का टीचर होना डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में मैथ्स की आपकी क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझें, और वो जब आगे क्लासेस में जाएं तो कहें कि हमें सविता मैम ने पढ़ाया था और हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ, है ना बच्चे। तो वो अब हम करने वाले हैं। तो जल्दी से देखो क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल रूट ऑफ इक्वेशन पे क्वेश्चन है, वो क्या है बच्चे, चेक वेदर माइनस टू एंड टू आर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स प्लस टू। आपको चेक करना है कि माइनस टू और टू जीरो है इस पॉलीनोमियल के। तो क्या करेंगे आपने बच्चे, ये जो पॉलीनोमियल है इसमें एक बार एक्स की जगह पुट करके देखना है माइनस टू, और एक बार बच्चों आपने इसमें x की जगह पुट करके देखना है 2। तो यहां पर जब आप x की जगह पुट करके देखोगे माइनस टू तो क्या मिलेगा, माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। माइनस टू ने क्या किया, माइनस टू ने इस पॉलीनोमियल को जीरो बना दिया। तो हमारा x इज इक्वल टू माइनस टू इज अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स प्लस टू। बिल्कुल सही बात कही। अब इधर आ जाते हैं बच्चों, एक्स इज इक्वल टू टू पुट करो, पॉलीनोमियल है एक्स प्लस टू, एक्स इज इक्वल टू टू पुट करोगे तो मिलेगा टू प्लस टू विच इज इक्वल टू फोर, बट फोर तो जीरो नहीं बना, हमारा पॉलीनोमियल जीरो नहीं बना। इसका मतलब ये हुआ एक्स इज इक्वल टू टू इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स प्लस टू। इतनी बातें समझ में आई बच्चों सबको, बहुत बढ़िया।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज। अब नेक्स्ट सेशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे अपनी स्क्रीन पर। फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब आपने इस पॉलिनॉमियल का जीरो निकालना है। फाइंड द जीरो, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x+1। मैं आपको 1 सेकेंड का टाइम देती हूँ। 1 सेकेंड तो नहीं, 1 सेकेंड तो तभी हो गया। मैं आपको 5 to 6 seconds का टाइम देती हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, है ना। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से करो। मैं भी बोलती रहती हूँ 1 मिनट, जल्दी से जल्दी से, 2 मिनट में इसका आंसर निकलने वाला है, तो अब जल्दी से इसका आंसर बताओ। अभी तक निकल गया होगा, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट। तो बच्चे पी एक्स 2x+1, इसका जीरो निकालने का मतलब है एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो बना दे। आप कैसे निकालेंगे, 2x है इधर, ये जाके -1 हो गया और x आ गया -1/2। तो x इज इक्वल टू -1/2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पी एक्स इज इक्वल टू 2x+1, ये है आपका आंसर, है ना। बहुत आसान, बहुत आसान है ना। ऐसे ही ये पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर ही बच्चों बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सारा बस ऐसे ही आराम से धीरे धीरे करते चलो, समझते हुए ही करते चलो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा, ये बड़ा ही बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए। आप ये आगे 10th क्लास में जाओगे तो इस पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इन चीजों पे। वो क्या बच्चे, यूनिक जीरो, वन जीरो एंड फाइनाइट जीरो। इसका क्या मतलब है, कोई पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल देखो बहुत सारी पॉलिनोमियल है, जैसे 4x+1, 2x² + 2, है ना, 9x+5, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स, बहुत सारी पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल्स के देखो एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, मतलब सिर्फ एक जीरो भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि 4x+5। इसका जीरो निकालोगे तो इसका सिर्फ एक ही आंसर निकलेगा, वो होगा -5/4। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका सिर्फ कितने जीरो एग्जिस्ट किए, वन जीरो, यानी कि यूनिक जीरो है या एक ही जीरो है, एक से ज्यादा जीरो नहीं। अच्छा, यूनिक जीरो बच्चा, यहाँ पे नो जीरो भी आएगा, नो जीरो आएगा। यूनिक का मतलब तो एक होता है, तो एक जीरो यहाँ पे इंक्लूड हो गया, दूसरा नो जीरो। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स भी एग्जिस्ट करेंगे जिसका जीरो ही एग्जिस्ट ना करता हो, नो जीरो हो, और ऐसे पॉलिनोमियल भी एग्जिस्ट करेंगे जिसके भाई इनफाइनाइट जीरोज एग्जिस्ट करते हो। कितने जीरोज, इनफाइनाइट जीरोज जिसके एग्जिस्ट करते हो, ऐसे भी पॉलिनोमियल मिले। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसका जीरो ही एग्जिस्ट ना करता हो, और एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके इनफाइनाइट जीरोज एग्जिस्ट करते हो। जल्दी से बताओ, जल्दी से। एक तो बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, वो इन दोनों में से एक में आंसर आने वाला है। एक मैंने पर्टिकुलर टाइप का पॉलिनोमियल आपको बताया है, तो आप वो मुझे बता सकते हो कि वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा। जीरो जो पॉलिनोमियल है वो बताओ बच्चा कौन सी कैटेगरी में जाएगा, नो जीरो वाली में या इनफाइनाइट जीरो वाली। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आंसर ढूंढ लिया, क्या मिला, जीरो पॉलिनोमियल कौन से वाले ऑप्शन का आंसर है। जल्दी से बताइए, वेरी। तो जीरो जो पॉलिनोमियल है बच्चे वो जाता है हमारा इनफाइनाइट जीरोस में, क्यों, क्योंकि जीरो इंटू एक्स है। अब एक्स की वैल्यू मैं 1 पुट करूं तो भी क्या मिला मुझे, जीरो मिल गया। मैं एक्स की वैल्यू 2 पुट करूं तो भी मुझे क्या मिल गया बच्चे, आंसर जीरो मिल गया। मैं एक्स की वैल्यू 3 पुट करूं तो भी मुझे आंसर क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें इनफाइनाइट जीरोज एग्जिस्ट करते हैं, एक्स की वैल्यू में कुछ भी पुट कर लूं आंसर हमेशा जीरो आने वाला है। तो जीरो पॉलिनोमियल इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब ऐसा एग्जाम्पल बच्चे जिसमें नो जीरो, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसका रूट ही एग्जिस्ट ना करता हो, मतलब जिसको जीरो के बराबर रखो तो आपको लगे कि हमारा आंसर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऐसा पॉलिनोमियल बताइए क्या करोगे।
मैं बताऊं, ऐसा एक पॉलिनोमियल है बच्चे x² + 1, x² + 1, इसको जब बराबर 0 के रखोगे तो x² आ गया -1, और x आ गया प्लस माइनस अंडर द रूट -1। अब बचाओ, रूट के अंदर माइनस आपने कब वैल्यू पढ़ी है? पढ़ी है? नहीं पढ़ी है अभी। तो कैसे, तो क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल के जीरोज एग्जिस्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चा? नहीं कर रहे हैं। तो क्या हुआ इस केस में कि हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल गया जिसके जीरोज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये हुए बच्चे आपके इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो क्या कि जो पॉलिनोमियल है उसके जीरो हो सकता है कि एक एग्जिस्ट करता हो, सिर्फ एक एग्जिस्ट करता हो, या हो सकता है कि एक भी एग्जिस्ट ना करता हो, या फिर बहुत सारे एग्जिस्ट करते हो। और बहुत ऐसा एग्जाम्पल जिसके बहुत सारे जीरोज एग्जिस्ट करते हो, नल पॉलिनोमियल, मतलब कि जीरो पॉलिनोमियल, ऐसा जिसका एक भी एग्जिस्ट ना करता हो, x² + 1, ये एक एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, और ऐसे ही ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जिसका सिर्फ एक ही जीरो एग्जिस्ट करता हो, है ना? तो ये हुआ बच्चा यूनिक जीरो, नो जीरो और इनफाइनाइट जीरोस वाले। अब आ जाते हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पर। इस चैप्टर में दो थ्योरम है, दोनों ही बहुत आसान है, मैं बता रही हूँ बच्चे, ये पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है। तो जो दो थ्योरम, उसमें से सबसे पहली थ्योरम है बच्चे रिमाइंडर थ्योरम। नाम से ही पता चल रहा है हम डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर को। अच्छा, रिमाइंडर के बारे में पता है ना आपको? सपोज मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, जो बच गया ना ये रिमाइंडर होता है ना। मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं, क्या मिला? 0, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ये मेरा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें बताती है कि ऐसी कौन सा पॉलिनोमियल है जो दूसरे पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, या कैसे बताओगे कि यहाँ यहाँ से रिमाइंडर कितना निकलेगा। ये एक बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है, बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, जिसको अप्लाई करोगे ना तो आप झट से उसको सॉल्व कर दोगे, पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दोगे दो पॉलिनोमियल को, और झट से आंसर बता दोगे कि रिमाइंडर क्या रहने वाला, रिमाइंडर बता दो। तो ये थ्योरम क्या कहती है बच्चों, अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अगर पी एक्स कोई एक या एक से बड़े ऑर्डर की डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल का, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल हो, यहाँ पे 200 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, ऐसे पॉलिनोमियल का आप बता सकते हो कि ये किसी दूसरी एक्स माइनस ए पॉलिनोमियल से डिवाइड होगी या नहीं होगी, या रिमाइंडर क्या आएगा। कैसे? जो भी एक्स की वैल्यू, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे जिससे वो पूछ रहे हैं ना, जिस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने की वो बात कर रहे हैं, उसको 0 के बराबर रखना, एक्स की वैल्यू निकालना और पॉलिनोमियल में पुट कर दे। पॉलिनोमियल में पुट करके जो भी आपको आंसर मिलेगा ना, वही आपका रिमाइंडर होगा। अगर 0 होगा तो इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और अगर 0 नहीं है, कोई नंबर निकल के आया, तो वो रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है बच्चों, इफ पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एक या एक से ज्यादा, और पी एक्स को आप लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस एट डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर क्या होगा, पी ऑफ ए, यानी कि पी यहाँ पे एक्स की जगह ए पुट। तो क्या करना है, अब हम एक एग्जाम्पल करके देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम पे, और समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या था। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल, अच्छा ये पॉलिनोमियल है बच्चा 3x^4 - 4x³ - 3x - 1, ये पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड करना है x - 1 से। तो क्या करोगे, रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताना है, इसका क्या होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम से यहाँ पे आप डिवाइड द पॉलिनोमियल की जगह आप ये लिख सकते हो कि फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर करो, क्योंकि डिवाइड आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, उसमें क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा और रिमाइंडर भी बताना पड़ेगा। यहाँ पे हम कहते हैं कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल इफ इट इज डिवाइडेड बाय दिस। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे पता है, जिससे भी डिवाइड करना है ना, उसको 0 के बराबर रख दो, रख दिया जी। उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई, 1 आ, निकाल लिया एक्स की वैल्यू। अब आते हैं बच्चे स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल है ना पी, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल में जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर 1 पुट कर दो, जो भी ऊपर से निकाला ना एक्स की वैल्यू वो पुट कर दो। तो यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया, इधर भी 1 पुट करेंगे, ये 1³ आएगा, ये सिंपल 1 आएगा, और ये -1। इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा बच्चे 3 - 4 - 3 - 1, तो
ये हो जाएगा 3 माइनस 8, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा -5। तो ये हो गए आपके आंसर, ये है आपका रिमाइंडर। ये क्या है बच्चे, आपका रिमाइंडर, मेंशन करोगे आंसर, आंसर से पता नहीं चलेगा ना कि क्या निकाला, तो आप बताओगे कि जो रिमाइंडर है ना वो -5 है। अगर मैं इस पॉलिनॉमियल को x माइनस वन से डिवाइड करती हूँ या करता हूँ तो जो रिमाइंडर है वो -5। तो ये फायदा है रिमाइंडर थ्योरम का, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा पॉलिनॉमियल को। अदरवाइज आपने पॉलिनॉमियल को डिवाइड करके देखा है ना कितना ज्यादा लंबा टाइम लगता है। आप यहाँ पे रखोगे इसको 3x4 - 4x3 - 3x - 1 रखोगे, फिर x - 1 से डिवाइड करोगे है ना, फिर पूरा निकालोगे, इधर क्वेश्चन आएगा, नीचे रिमाइंडर बचेगा, इतना लंबा टाइम लगेगा। तो रिमाइंडर पूछा है तो सिंपल क्या करोगे, जो जो एक्स की यहाँ पे एक्स है वहां पर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के पुट कर दोगे, आंसर मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे भी क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x-1। आपने क्या करना है, x4 + x3 - 2x2 + x+1 को डिवाइड करना है x-1 से और फिर रिमाइंडर बताना है। तो देखो अगर सीधा डिवाइड करते चले जाओगे बहुत टाइम लगेगा, हम क्या करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। स्टेप 1 क्या होगा रिमाइंडर थ्योरम में, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू आ गई 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे बच्चा, पॉलिनोमियल में एक्स की जगह 1 पुट कर दो। पॉलिनोमियल था हमारा x4 + x3 - 2x2 + x+1, यहाँ पर एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो पी एक्स की जगह बनाएगा 1 + 1 - 2 + 1 + 1, तो ये हो गया 2 - 2 + 2, आंसर आपको मिल गया 2। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि रिमाइंडर क्या मिला बच्चे, 2। अच्छा जो पिछला क्वेश्चन था बच्चा, अगर एग्जाम्स में आता है कि डिवाइड द पॉलिनॉमियल बाय दिस, तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे वो बताती हूँ अभी। ये तो मैंने आपको बताया रिमाइंडर निकालना हो तो ये मेथड यूज करोगे, लेकिन अगर ये एज इट इज पेपर एग्जाम में आता ना बच्चों, तो रिमाइंडर थ्योरम लगा के रिमाइंडर नहीं बताओगे, कंप्लीट डिवाइड करके बताओगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा है कि इसको डिवाइड करो। पीछे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें उन्होंने रिमाइंडर पूछा है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम, अच्छा जब भी आप कोई भी थ्योरम यूज करते हो बच्चों, हमेशा बताओ कि हम ये वाली थ्योरम अभी यूज करने वाले हैं। जब आप आंसर बताते हो ना उसमें, जैसे यहाँ पे आप जब यूज कर रहे थे तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होने से पहले वी विल फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, उसमें इस तरीके से डिवाइड करोगे 3x4 - 4x3 - 3x - 1, x-1 को यहाँ रखोगे। और कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देखोगे हाईएस्ट डिग्री क्या है बच्चे, 4 है, यहाँ पर डिग्री क्या है एक्स की 1, तो मैं एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरी डिग्री 4 बन जाए, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर, साथ ही 3 भी है साथ में तो 3 से भी मल्टीप्लाई कर। अब 3x³ आया ना, तो 3x³ को इस पूरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, 3x³ को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x⁴ मिला, 3x³ को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x³ मिला। तो क्यूब वाली टर्म को क्यूब वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, 4 वाली टर्म को 4 वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों टर्म प्लस किए हैं तो माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ये हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा -x³ - 3x+1। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमें चाहिए -x³, तो -x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -x³ मिलेगा, और अगर -1 को -x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x² मिलता है, +x² की कोई भी टर्म नहीं है तो इस टर्म को अलग से लिख देंगे। और अब बच्चों साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया -x² - 3x - 1। अब यहाँ पर x² चाहिए वो भी माइनस का, यहाँ पर सिर्फ x है तो -x से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे,
ताकि माइनस एक्स स्क्वेयर मिल जाए, और माइनस एक्स को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स मिलेगा, और इनको जब फिर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है माइनस फोर एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे माइनस फोर एक्स चाहिए, इधर है सिर्फ एक्स, तो माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस फोर एक्स प्लस फोर, और ये प्लस की टर्म ये माइनस की टर्म कैंसिल हो गया, माइनस फाइव। तो ये आपकी पॉलिनॉमियल डिवाइड हो गई, ये मिल गया रिमाइंडर और ये मिल गया आपका क्वेश्चन। तो बच्चे ये जो है ना किस ये जो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। अगर आपको ये डिवाइड करना पॉलिनॉमियल का, मैंने क्योंकि हम पूरा रिविजन कर रहे हैं तो इसलिए बच्चे मैंने शॉर्ट में बताया, जल्दी में बताया। अगर आपको चाहिए कि डिवाइड करना कैसे सीखना है तो और वीडियोज मिल जाएंगी चैनल पर, आप वहां पर डिवाइड करना सीख सकते हो, लेकिन आपको डिवाइड करना जरूर आना चाहिए। अब आ जाते हैं बच्चे थ्योरम नंबर टू पर। थ्योरम नंबर टू है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स इफ पी ए इज जीरो। पी एक्स कोई पॉलिनॉमियल है, मुझे चेक करना है कि क्या एक्स माइनस ए इस फैक्टर होने का मतलब है क्या एक्स माइनस ए इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। एक्स माइनस ए इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा अगर एक्स की जगह मैं ए पुट करूं और वो क्या आ जाए जीरो। यहाँ से इसको जीरो पुट करके देखोगे, एक्स की जो वैल्यू निकली उसको एक्स की जगह पुट करोगे, अगर जीरो आ जाता है तो कम्प्लीटली डिवाइड करता है या फिर फैक्टर है। फैक्टर का मतलब पता क्या होता है बच्चे? फैक्टर का मतलब ये है कि पी एक्स जो है ना वो एक्स माइनस ए इंटू कुछ और है, मतलब उसको एक्स माइनस ए इंटू समथिंग लिख सकते हैं। फैक्टर कैसे चेक करोगे? जो भी फैक्टर बनाना है उसको जीरो के बराबर रखो, वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको पॉलिनॉमियल में पुट करके देखो, अगर रिमाइंडर जीरो मिलता है तो फैक्टर है। ऐसे ही आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है तो पक्के से पी ए जीरो। तो क्या है, अगर एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर बनता है तो पी में अगर एक्स की जगह ए पुट करोगे ना तो जीरो मिले। सिंपल सी बात यह है कि एक्स माइनस ए को जीरो के बराबर रखो, एक्स की वैल्यू निकालो, पॉलिनॉमियल में पुट कर दो, अगर जीरो बन जाता है वो पॉलिनॉमियल को जीरो कर देता है तो वो उसका फैक्टर बन जाएगा। ये है हमारी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम पे आ जाते हैं आप क्वेश्चंस पे। तो फैक्टर थ्योरम में जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे वो आपकी स्क्रीन पर है। तो स्क्रीन पर क्या है आपके पास बच्चे, इसको फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम से और स्प्लिटिंग टर्म मेथड से। इसको दो तरीके से फैक्टराइज करना है। पहला है फैक्टराइज थ्योरम, फैक्टराइज थ्योरम से यहां पे करें। फैक्टराइज थ्योरम से इस स्लाइड पे करें और यहां पे करेंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो सबसे पहले बच्चा फैक्टर थ्योरम से हम इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। फैक्टर थ्योरम से करके देखते हैं। अभी बताती हूँ आपको कैसे करते हैं। दोनों को बड़े ध्यान से देखना है, क्वेश्चन पेपर में अगर मेंशन है तो उसी तरीके से करोगे, नहीं तो जो भी मेथड आसान लगे आप वो यूज कर सकते हो। ओके, चलो अभी बताती हूँ बच्चे। वाई स्क्वेयर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स ये हमने रखा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम ये जो टर्म है ना, देखो आपको पता है अगर इसकी दो है, इसकी पावर कितनी है, दो है, तो इस पॉलिनॉमियल के दो फैक्टर बनेंगे। कितने फैक्टर बनेंगे बच्चे? दो फैक्टर बनेंगे। अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, सपोज एक फैक्टर है वाई माइनस ए, एक फैक्टर है वाई माइनस बी, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलना है माइनस ऑफ ए प्लस बी वाई प्लस ए, ये मिल।
और इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करो, ये है वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स, कंपेयर करोगे तो जो ए बी है ना ये किसके इक्वल आया, सिक्स के इक्वल, ए बी आया है सिक्स के इक्वल। तो अब देखो फैक्टर थ्योरम ये आसान कर देती है, फैक्टर थ्योरम कहती है कि जो भी सिक्स के फैक्टर्स है ना वही इस पॉलिनॉमियल के फैक्टर होंगे, जो ये ए बी वाली टर्म आती है ना सिक्स ए बी, यहाँ पे कुछ भी होता अगर 12 होता 15 होता या कोई भी टर्म होती तो उसके जो फैक्टर्स आएंगे उन्हीं में से कुछ फैक्टर इसके बनते हैं वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स के। जैसे कि बच्चे सिक्स के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, वन टू थ्री एंड सिक्स, ये सारे सिक्स के फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो अब चेक करोगे कि कौन कौन सी वैल्यू पुट करने पर जो मेरा पी वाई है वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स ये जीरो बन जाता है, या क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो पुट करके देखो, पहले वन पुट करके देखोगे आप, पहले पुट करके देखिए वन, फिर पुट कीजिए टू, फिर पुट कीजिए थ्री, और जल्दी से मुझे बताइए कौन से पे जो वैल्यू है वो जीरो। बताइए जल्दी से, बिल्कुल सही कहा आपने, क्या कर रहे हो बच्चे, वन पुट करोगे तो वन माइनस फाइव प्लस सिक्स क्या बना, सेवन माइनस फाइव मतलब टू, टू पुट करोगे तो मिलेगा फोर माइनस टेन प्लस सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन माइनस टेन जीरो, थ्री पुट करोगे तो मिलेगा नाइन माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स कितना मिल गया, जीरो मिल गया। तो टू पे और थ्री पर आंसर आ गया जीरो, इसका मतलब हुआ वाई इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू थ्री। तो प्लस टू को उधर लेके जाओगे क्या मिलेगा, वाई माइनस टू, इधर से प्लस थ्री को उधर लेके जाओगे क्या मिलेगा, वाई माइनस थ्री। तो बच्चे ये जो पॉलिनोमियल है ना इसके दो फैक्टर्स बनते हैं वाई माइनस टू एंड वाई माइनस थ्री, ये है आपका आंसर। क्या किया हमने, जो ये बिना, ये जो कांस्टेंट नंबर आता है ना, ये जो कांस्टेंट नंबर लिखा होता है पॉलिनोमियल में, इसके फैक्टर बताने होते हैं कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं, जैसे सिक्स के फैक्टर है वन टू थ्री और सिक्स। अब इन नंबर्स को हम पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे, जिन भी नंबर्स पे वैल्यू जीरो आ जाती है वही फैक्टर होंगे, वही हमारा आंसर। समझ में आया, वेरी। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो मेथड क्या है बच्चों, फैक्टराइज वाई स्क्वेयर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम एंड बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, ये वाला क्वेश्चन था। अब हम मिडिल टर्म से स्प्लिट करके देखेंगे। देखो मिडिल टर्म में क्या करना है, आपने दो चीजें निकालनी होती है, क्या, ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करो, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करो तो सिक्स मिले, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस फाइव, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करो तो मिले माइनस फाइव। अब ऐसे नंबर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो मिले सिक्स और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस फाइव। तो सिक्स के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, वन टू थ्री एंड सिक्स, आपने इन दो इन नंबर्स में से दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो सिक्स मिल जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो फाइव। तो बच्चे एक तो पेयर है वन और सिक्स का, एक है टू और थ्री का, मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा सिक्स और ऐड करोगे तो दोनों को मिलेगा फाइव। तो देखो क्या क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है बच्चे माइनस फाइव आना चाहिए, माइनस फाइव। तो अगर, और यहाँ पे उनको मल्टीप्लाई करो तो सिक्स, ये काम कर सकते हो, सिर्फ साइन लेके चलते हैं प्लस सिक्स। तो अभी इस तरीके से याद रखो कि सिक्स के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको दो को ऐड करो तो माइनस फाइव आ जाए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे बच्चा, अगर मैं माइनस टू और माइनस थ्री ले लूँ तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का सिक्स मिलेगा, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का फाइव, क्योंकि सिक्स और वन लेते हो तो एक प्लस और एक माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी माइनस होके फाइव मिलेगा। और अगर ऐसा कर लिया, एक प्लस का ले लिया एक माइनस का लिया और उनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सिक्स मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए प्लस सिक्स, इसलिए साइन इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ टू और थ्री ऐसे नंबर्स हैं जब माइनस टू और माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का सिक्स मिलेगा और माइनस टू और माइनस थ्री को ऐड करोगे तो माइनस का फाइव मिलेगा।
तो इसके फैक्टर्स बन गए -2 एंड -3। तो ये जो मेरा पॉलिनॉमियल है इसको मैं लिख सकती हूँ वाई स्क्वेयर -2y -3y +6। 5 को एक्चुअली मैंने ब्रेक करके लिख दिया -2 -3, -5 को ब्रेक करके लिख दिया -2 -3। लेकिन 5 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करो तो +6 मिले। ये हमारा फंडा होता है मिडिल टर्म स्प्लिट में, क्या है जो बीच वाली टर्म है, जो वाई वाली टर्म है या जो एक्स वाली टर्म है, उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करो तो मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करो तो लास्ट वाली टर्म। अब क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे वाई, तो इधर मिल जाएगा वाई -2, और इन दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे -3, आपको भी मिल जाएगा वाई -2। मिल गया। अब क्या करेंगे बच्चे, ये वाई -2 दोनों में कॉमन आ रहा है और इधर मिल रहा है वाई -3, इसको इक्वल टू रखेंगे 0। तो यहां से क्या मिलेगा बच्चे, नहीं फैक्टराइज ही करना था, बस फैक्टराइज ही करना था, तो ये दो फैक्टर हो गए वाई -2 एंड वाई -3। ये हमारा आ गया बच्चों आंसर, ये हमारा क्या आ गया आंसर। इतनी चीजें समझ में आई, जल्दी से बताओ। अगर कोई भी डाउट है बच्चे, आप यू कैन फील फ्री एंड यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके बच्चे, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो ये है। इस चैप्टर में अब तक हमने थ्योरम की पॉलिनॉमियल को समझा कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब बेटा चार इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। उसमें पहला जो फॉर्मूला है ना वो है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपने पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस सी तीन टर्म्स आ जाए तो उसका होल स्क्वायर क्या होगा। वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसमें क्या करना है, क्योंकि सी भी ऐड हो रहा है ना, तो प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ca, ये तीन टर्म्स और ऐड। अच्छा आंसर कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, ऐसे तो देखो रटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमेशा प्रूफ पे जरूर जाओ। तो इसका प्रूफ क्या है बच्चे, a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। पहले a को a से मल्टीप्लाई, a को b से मल्टीप्लाई, a को c से मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। फिर b को a से मल्टीप्लाई, b को b से मल्टीप्लाई, b को c से मल्टीप्लाई, b को भी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और c को भी तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर टर्म्स को कर लेंगे रीअरेंज। ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया, ये सी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां से मिल गया ए बी प्लस ए बी और बी ए, इनको ए बी लिख सकते हैं, तो 2ab प्लस 2bc, ये रहे 2bc एंड प्लस 2ca। तो ये आ गए आपकी फॉर्मूला नंबर 1, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ऐसे एक और फॉर्मूला है बच्चे, a प्लस बी का होल क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कैसे सॉल्व करोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, इंटू a प्लस बी कर सकते हैं। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दो और इन दोनों टर्म्स को कर दो मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा कॉमन लेके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कैसे मिलेगा, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला ए क्यूब। अब क्या करोगे बच्चा, ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा ए स्क्वायर बी, है ना। ऐसे ही बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब, और 2ab को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 2a² b प्लस 2ab². अब इनको रीअरेंज करना है, a क्यूब आगे लिखा, b क्यूब को भी आगे लिखा, 2a² b प्लस a² b 3a², 2ab² प्लस 1ab² 3ab² a क्यूब एज इट इज, b क्यूब एज इट इज, 3ab दोनों में से कॉमन आ जाएगा इन टर्म्स में, 3 बाहर आ गया, b बाहर आ गया, ए स्क्वायर में से एक ए बाहर आ गया, क्या बचा सिंगल ए, और ऐसे इधर बचा सिंगल बी, और ये है आपका फॉर्मूला। इसी तरीके से बच्चे नेक्स्ट दो आइडेंटिटीज भी प्रूव करोगे, और ये आपका होमवर्क है,
थर्ड जो आइडेंटिटी है बचे वो है ए माइनस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। और जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है बच्चे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी विच इज किसके इक्वल होता है बच्चे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये फॉर्मूला बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह यूज होता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये फॉर्मूले आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला शीट बनानी है, जो फॉर्मूले बताएं चारों उस फॉर्मूले शीट पे लिखने हैं और फिर उस शीट को अपने बेड पे अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लेना है और डेली एक बार उसको रिवाइज करना, डेली एक बार उसको याद करना है, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूल। तो बच्चा ये था आज का अपना चैप्टर नंबर 2। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। मेरा नाम है सविता अंजना और बाकी सारे सेशंस के लिए बच्चे जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना चैनल को। अब मैं बता दूं एक बार अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में। जिन बच्चों ने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उनको बता दूं बच्चे कि सब्सक्रिप्शन के साथ क्या क्या फायदे होते हैं आपको, कि आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, आप किसी भी टाइम अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, आपका कोई डाउट है तो उस डाउट के आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है, लाइव टेस्ट सीरीज होते हैं और सारे के सारे सॉल्यूशंस जो हैं आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेने पर मिल जाते हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान की जो डिटेल्स हैं बच्चों वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 3 मंथ्स के लिए या तो पर मंथ 2500 पे कर सकते हो या फिर एक बार में 7500 रुपीज़ पे कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन चाहे आप 3 मंथ्स का लो, 6 मंथ्स का लो, 12 मंथ्स का लो, उनके साथ आप देखोगे कि आपको कुछ ऑफ मिल रहा है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है, आपको 10% ऑफ मिलता है अगर आप कोड यूज करते हो SAVITA, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चे सविता अगर आप कोड यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलता है। तो ये तो था प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब एक और सब्सक्रिप्शन प्लान है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। इसमें क्या होता है बच्चे, जो भी प्लस में बेनिफिट्स है उसके अलावा 6 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो आपको बताएगा कि क्या करना है कैसे करना है। आपका वीकली रिपोर्ट रेडी की जाती है कि इस वीक आपने कितनी पढ़ाई की। इसके साथ साथ आपके अगर कोई डाउट है तो लाइव डाउट सॉल्व करवा सकते हो, आप लाइव डाउट पूछ सकते हो। आपके पेरेंट्स के कोई डाउट है तो वो कनेक्ट हो सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। स्टडी प्लानर आपको मिलेगा और अनअकैडमी आपके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपको इस प्लान में मिलते हैं। जो प्लान है बच्चा इसकी डिटेल्स फिर से आपकी स्क्रीन पर है। 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए, जो भी अच्छा लगे वो ले सकते हो। पर मंथ भी पे कर सकते हो, टोटल एक साथ भी पे कर सकते हो। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो SAVITA सविता 10% ऑफ के लिए। तो ये तो था बच्चे अपने आज के चैप्टर के बारे में और अपनी ऐप के बारे में। जरूर मिलना मुझसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 3 एक ही बार। तो बच्चे जरूर आते हैं, मिलते हैं सेशन में और अपने मैथ्स की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और मैथ्स को बनाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी, है ना। लेट्स क्रैक इट।